नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। घनौरा में शहीद सोनित के अंतिम यात्रा में भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। हाथों में तिरंगा लेकर युवाओं ने यात्रा निकाली। वहीं उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल रहे। इसके साथ ही घनौरी के व्यापारियों ने शहीद के सम्मान में बाजार बंद कर रखा है। आपको बता दें कि रुड़की के घनौरी निवासी 38 वर्षीय सोनित कुमार सैनी पुत्र सुखबीर सिंह सैनी सेना में थे और फिलहाल उनकी तैनाती गुवाहाटी में थी। सितंबर माह में ही वह छुट्टी बिताकर अपने गांव से ड्यूटी गए थे। 22 सितंबर को वे उस समय घायल हो गए जब वे अपने जवानों से भरा वाहन लेकर कहीं जा रहे थे। घायल होने के बाद उनके उपचार गुवाहाटी स्थित सैनिक अस्पताल में चल रहा था। 11 अक्टूबर की शाम उपचार के दौरान उनका देहांत हो गया। रेजिमेंट का घोष वाक्य था सर्वत्र, और उनके जाने के बाद वो हमेशा यहाँ वहाँ सब जगह गाँव के साथ साथ उनकी जो साधना में अपना स्थान और उनके पारिवारिक पिताजी उद्धम सिंह नगर के किच्छा विधानसभा से भाजपा विधायक राजेश शुक्ला के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने सीएम पुष्कर धामी पहुंचे। किच्छा पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और अपना संबोधन शुरू करने से पहले भाजपा विधायक राजेश शुक्ला को बधाई देते हुए कहा कि विधायक राजेश शुक्ला मेरे पुराने मित्र हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी विभागों में 24,000 रिक्त पदों को मंत्रिमंडल में भरने का फैसला लिया गया है, जिसकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, और उत्तराखंड सरकार ने सभी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क को माफ करते हुए युवाओं को राहत देने का काम किया जा रहा है। हरिद्वार के दिव्योग मंदिर में महानवमी के मौके पर स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पूजन किया। 9 दिनों तक चले वैदिक अनुष्ठान के समापन पर विधि विधान और यज्ञ और कन्या पूजन हुआ। इस दौरान स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कन्याओं के भोजन कराया और आशीर्वाद लिया। बाबा रामदेव ने कहा कि नवरात्रों के 9 दिन में भगवान के विभिन्न रूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रों के दिन में हम उपवास और उपासना से अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं। असुरत्व पर देवत्व की, अधर्म पर धर्म की, पाप पर पुण्य की विजय का पर्व है, और इस देश में सब प्रकार का अधर्म है, पाप है, आतंकवाद है, महंगाई, गरीबी, भूख, बेरोजगारी, गरीबी है, ये सारे पाप नष्ट हो और यह देश फिर से भगवान राम और कृष्ण का भारत बने, हमारी वीर वीरांगनाओं ऋषि ऋषिकाओं के सपनों का भारत बने, और इस सब के लिए हम सब मिलकर के केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लालकुआ पहुंचकर दीवारों पर वॉल पेंटिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का शंखनाद किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करते हुए आगामी चुनावों के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए जीत के टिप्स दिए। तो आज जो हमने शुरुआत की है वो इस समय जो हमारी पार्टी का निशान है, कमल का फूल, सारे कार्यकर्ताओं का ध्येय एकमात्र यही है कि किसी को टिकट मिले, कोई लड़े, और जब लड़ाई होती है, यानी कि वैसी लड़ाई नहीं है, ये विचारों की लड़ाई है, तो उस समय हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने निशान को देखते हैं, इससे आगे कुछ नहीं। तो निशान को और अधिक जगह जगह पर हम लोगों से परिचित कराएं।
नवरात्रि के पावन पर्व पर रामलीला मंचन पूरे देश प्रदेश में मनाया जा रहा है। ऐसे में मंचन कार्यक्रम का आयोजन कालाढूंडी विधानसभा के बैलपड़ाव न्याय पंचायत में होने वाली रामलीला में देखने को मिला। मंचन के सातवें दिन रामबाली बढ़ व सुग्रीव व का राज्यभिषेक कार्यक्रम मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। वही कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना के साथ की गई। कार्यक्रम में श्री राम सेवक सांस्कृतिक सोसाइटी के अध्यक्ष समेत तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री कांग्रेस उत्तराखंड महेश शर्मा मौजूद रहे। रामलीला मंचन की कार्यकारिणी सदस्यों ने महेश शर्मा को प्रतीक चिन्ह पहनाकर स्वागत किया। कोविड महामारी ने ऐसे आयोजन सब रोक दिए थे, आज फिर सब सामूहिक रूप से यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हम चित्रण यहाँ पर कलाकार हमारे दिखा रहे हैं। बहुत बड़ी खुशी की बात है और ऐसे मौके में मैं तो माँ भगवती से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ऐसी महामारी को आइंदा कभी ऐसे पोजीशन ना आए कि हम ऐसे एकत्रित न हो पाए। आज फिर से हम एकत्रित हुए हैं और आज जब रामलीला कमेटी का जब द्वारा ऐसे आयोजन होते तो उससे हमें नित्य कुछ सीखने को मिलता है, हमें संस्कृति हमारे संस्कार हमें मिलते हैं और बहुत सारी। लक्सर में कोरोना काल में पिछले दो वर्षों से दशहरे का मेला नहीं लग पाया, इस बार दशहरे के मेले में भारी भीड़ जुटाने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसे लेकर लक्सर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट दिखाई दे रहा है। मेले के बीच किसी तरह के वाहन को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दशहरा मेले की जगह को भी बदल दिया गया है। जिस जगह दशहरे का मेला लगाने की अनुमति दी गई थी उसे चारों ओर से बैरिकेडेड लगाकर सील किया जाएगा। लक्सर पुलिस ने दशहरा मेले में भारी पुलिस फोर्स का बंदोबस्त किया गया है। स्थलीय निरीक्षण करने पर उपजिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने कहा कि हमारे आपके पास जगह की कमी होने के पास कारण रेलवे की से पार्किंग के लिए कुछ जमीन का बंदोबस्त किया गया है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और दशहरे के मेले में किसी तरह की कोई खामियां नहीं आने दी जाएगी। पुलिस थाना के साथ यहाँ पे जो व्यापारी है उनके साथ यहाँ पर निरीक्षण किया गया, तो यहाँ पर जो बैरिकेडिंग किस प्रकार से हो रही है उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यहाँ पे जो ये रेलवे का जो यहाँ पे काउंटर है, यहाँ पर एक जैसा मतलब यहाँ पर थोड़ी समस्या ये है कि वहाँ पर एक एंट्री जो है कहीं एक जगह पे वहाँ पिलर लगा के बाधित की गई है, तो उसके संबंध में वार्ता हुई है कि वहाँ से यदि खोल दिया जाए तो हमें ट्रैफिक को मूवमेंट को नियंत्रण करने में थोड़ी आसानी होगी। इस संबंध में जो है यहाँ पर रेलवे के अधिकारियों से बात करके उसका भी व्यवस्था बना ली गई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक व प्रदेश अनुसूचित जाति संगठन के अध्यक्ष राजकुमार व पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा की सरकार प्रदेश की मलिन बस्तियों में छापेमारी कर वहां रहने वाले को उत्पीड़न कर रही है, जिसके कारण लोगों में भव व्याप्त हो रहा है। एक ओर सरकार कहती है कि कोई बस्ती उजाड़ी नहीं जाएगी और वहीं दूसरी ओर उनकी छापेमारी कर उत्पीड़न कर रही है। भाजपा पर आरोप लगाए जा रहे हैं। खबर मसूरी से है जहां पूर्व विधायक राजकुमार ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें भाजपा पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि लक्सर उपजिलाधिकारी वैभव गुप्ता आबकारी निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उपजिलाधिकारी से आबकारी निरीक्षक से अभद्रता कर डाली और उपजिलाधिकारी को सक्षम अधिकारी न होने की बात कहकर कार्यालय का ताला बंद कर वहां से चलते बने। वहीं दूसरी मामले पे की जानकारी देते हुए उपजिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने कहा है कि उनको शिकायतें मिल रही थी, आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में कुछ गड़बड़ है और कुछ अनियमितताएं भी हैं। उसी संबंध में संयुक्त टीम के साथ जान के की ओर से आबकारी निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि जब उनकी तरफ से आबकारी निरीक्षक से उनका रिकॉर्ड मांगा गया है तो उन्होंने उनके सक्षम अधिकारी को बताते हुए कोई भी रिकॉर्ड दिखाने से साफ मना कर दिया। कुछ शिकायतें मिल रही थी कि आबकारी निरीक्षक के कार्यालय में कुछ गड़बड़ है, वहाँ कुछ अनियमितताएं हैं और कुछ इस प्रकार का कुछ और जगह से भी कुछ बातें संज्ञान में आ रही थी। उसी संबंध में आज टीम के साथ निरीक्षण किया गया
तो वहाँ पर आबकारी निरीक्षक ने साफ मना कर दिया है कि वो किसी भी मुझे मतलब कोई भी रिकॉर्ड नहीं देंगे और मैं सक्षम नहीं हूँ कि उनका किसी रिकॉर्ड की चेकिंग कर सकूँ। और यदि मुझे निरीक्षण करना है तो 3 दिन पहले का नोटिस दिया जाए और उनसे मेरे द्वारा अटेंडेंस का रिकॉर्ड मांगा गया कि आपके यहाँ पर कितने कार्मिक हैं। तो उनके द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा कोई अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता क्योंकि उनके आबकारी अधिनियम में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। और साथ ही ये कहा गया है कि उनके पास कोई मूवमेंट रजिस्टर भी नहीं है क्योंकि क्षेत्र में किस समय उनके कार्मिक जाते हैं और ना ही उन्होंने मुझे कोई अभिलेख दिखाया कि यहाँ पर जो हमारे जो आबकारी का जो राजस्व है वो किस प्रकार से लिया जा रहा है, उनके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार उनके द्वारा मुझे कोई जानकारी नहीं दी गई और निरीक्षण के दौरान मात्र वही अपने कार्यालय में उपस्थित थे, लेकिन उसके बाद वो यहाँ पर जो है आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर शारदीय नवरात्र के पर्व पर समूचे चमोली स्थित स्पिंडर घाटी में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की धूम मची हुई है। शारदीय नवरात्र के अवसर पर व्यापार संघ के तत्वधान में मिंग गधेरा में विशाल भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के नामचीन लोक गायकों और संगीतकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से खचाखच भरे पंडाल में महिलाओं और पुरुषों को झूमने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में लोक गायक प्रदीप बुटाला ने गढ़वाल में गणेश वंदना तेरी से जय हो गणेश की शुरुआत की। इसके बाद उनके अष्टभुजा माता तेरी शेरा सवारी पर पंडाल में सभी तालियां बजाकर झूमते रहे। उसके बाद लोक गायक ने नंदा की जागर काकर माहौल को नंदमय बना दिया। गढ़वाली के कुमाऊनी गायक भूपेंद्र एरी ने जय मैया दुर्गा भवानी की शानदार प्रस्तुतियां देकर वाहवाही बटोरी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह सहित कई लोग मौके पर मौजूद रहे। विधानसभा परिपिरान कलियर ग्राम के डंढेरी खवाजीपुर में श्री राम लीला समेत ही के द्वारा रामलीला का मंचन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे वरिष्ठ भाजपा नेता व चेयरमैन ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज मनीष सैनी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। वहीं कार्यक्रम में पहुंचने पर भाजपा नेता मनीष सैनी भावुक दिखाई दे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से रामलीला का मंचन चल रहा है और उसी के तहत आज मेरा यहाँ पर आना हुआ है, परंतु मैं यहाँ तो आज तो आ गया हूँ लेकिन मैं बहुत सारी पीड़ा लेकर आया हूँ क्योंकि हमारे बीच का रहने वाला और मेरा साथी इंडियन आर्मी का जवान 3 दिन पहले शहीद हुआ है। कि जो किसी दूसरे देश में इस तरह का नहीं होता है, हम अपने सैनिकों को हर समय, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हम लोग आराम से सोते हैं, अपना कार्य करते हैं, अपना दिनचर्या करते हैं, तो इसलिए उस बारे में हम नहीं, जैसे कि आपने बताया कि हमारे जितने भी मेरे युवा साथी हैं, जितने बच्चे हैं, उन लोगों के पास खेलने का मैदान नहीं है, वो कार्य हम लोगों का निरंतर विकास की तरफ चल रहा है। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जितने भी हमारे आसपास के 50 पिरान कलर में साबर पाक के 753वें सालाना उर्स में लगने वाले बड़े लंगर को लेकर दरगाह कार्यकाल पर धरना प्रदर्शन किया गया। सूफियों संतों और बाबाओं ने हर साल की तरह लंगर न देने पर हंगामा कर विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक वह यहां से उठेंगे नहीं। साबिर पाक का सालाना उर्स में इस बार सूफी संतों के दिए जाने वाले लंगर पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया गया है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष मोहम्मद अकरम और विधायक हाज फुरकान अहमद ने भी जिलाधिकारी को पत्र भेजकर हर वर्ष की तरह बड़े लंगर की मांग की थी। उर्स के 7 तारीख को सूफी संतों व बाबाओं को उनके धुने हुए और सूफी को उनकी गद्दियों और कहो पर लंगर बांटा जाता है, लेकिन इस बार बड़ा लंगर नहीं बांटा जा रहा है। यहाँ पर हमारे सूफी संत दो धरने पर बैठे हुए हैं दरगाह गेट के सामने, तो मैं भी आया, मैंने उनकी बात सुनी। उनकी यही मांग थी कि जो हमें हमेशा लंगर मिलता था वो हमारा बंद कर दिया गया। इसमें मैं अभी ASDM आए, इससे पहले मेरी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट DM साहब को मैंने लिखित में दिया कि जो सदी से परंपरा चलती आ रही वो क्यों बंद कर रही है, करी जा रही है। उसमें अधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया कि नहीं, हम बंद नहीं कर रहे। इन लोगों को आज दोपहर का खाना नहीं मिला, इसलिए लोग बाग यहाँ पर धरने बैठे। इन्होंने बात की, अभी ASDM साहब ने आश्वासन दिया कि नहीं, वो लंगर हम अभी से बांटना शुरू कर देंगे।
चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार तीर्थ नगरी ऋषिकेश में श्यामपुर क्षेत्र में गढ़वाल का पहला सीएनजी पंप खुल गया है, जिसका उद्घाटन वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने किया। सीएनजी पेट्रोल पंप के खुलने से सैकड़ों वाहनों के संचालकों को लाभ मिलने की उम्मीद है। जानकारी के लिए बता दें कि सीएनजी से संचालित वाहनों के चालक सीएनजी भरने के लिए वाहन को हरिद्वार और देहरादून ले जाया करते थे, लेकिन अब ऋषिकेश में सीएनजी पंप खुल जाने के बाद समय और रुपए दोनों की बर्बादी से बचत होगी। सीएनजी के वाहन के चलने से पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। ऋषिकेश चार धाम का मुख्य पड़ाव है और यहीं से मैं सोचता हूँ कि चार धाम की यात्रा शुरू होती है और ऋषिकेश में इस तरह सीएनजी का पहला पेट्रोल पंप की शुरुआत होना, ये निश्चित रूप से यात्रा के दृष्टिकोण से भी, यात्रियों के दृष्टिकोण से भी और ऋषिकेश के लोगों के लिए भी बहुत फायदा है। और विशेष करके जिस तरह पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमारी जिम्मेदारी है और मुझे खुशी है कि क्योंकि मेरे पास पर्यावरण मंत्रालय भी है और पर्यावरण मंत्री के रूप में जब मैं इस सीएनजी पेट्रोल पंप का शुभारंभ कर रहा हूं तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि जितना अधिक सीएनजी के पेट्रोल पंप होंगे। विकासनगर में ग्राम पंचायत ढालेपुर से जहां ग्रामीणों ने पीने के पानी की परेशानी से त्रस्त होकर ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह से गुहार लगाई है। ब्लॉक प्रमुख जैसे ही गांव के ग्राम प्रधान के यहां पहुंचे तो ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा और ग्रामीणों ने ब्लॉक के सामने ही अपनी समस्या का समस्या रखी, जिसमें सबसे ज्यादा गंभीर समस्या पीने का पानी समय पर नहीं आया। वहां ब्लॉक प्रमुख की तरफ से मौके पर ही दूरभाष से जल संस्थान के उच्च अधिकारियों को निर्देश दिए गए। देखिए, ऐसा है, निरंतर हम मुझे यहाँ से प्रधान जी वगैरह का और पूर्व प्रधान है और पूर्व जेस प्रमुख भी है मोहम्मद खालिद जी, इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पानी की समस्या है और पानी की समस्या इनकी अभी जेन्युइन भी लगी कि भाई जो नए कनेक्शन है उनमें पानी नहीं आ रहा है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ पर आया हूँ अभी और मैंने अभी दूरभाष पे भी जल संस्थान के अधिशासी अभियंता है उन्हें निर्देशित किया है, सोमवार को पूरी टीम के साथ निरीक्षण किया जाएगा कि भाई ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है, क्योंकि अभी वर्तमान में नई टंकी लगी है इसकी और नई ही लाइन बिछी है। 3.5-4 करोड़ रुपए की लाइनें यहाँ ढालीपुर में बिछी है और टंकी लगी है, तो यदि कहीं पर टेक्निकल दिक्कत है तो उसको बिल्कुल दूर किया जाएगा और सोमवार को हमने इसका निरीक्षण का दिन रखा है। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल स्थित रैपिड कंपनी में भीषण आग लग गई। लगभग 1 घंटे के प्रयास के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है और भीषण आग से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मचा है। मौके पर पहुंची पुलिस अग्निशमन विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में लगातार प्रयास कर रही है। उत्तराखंड की अब तक की खबरों में बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।